हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक एक आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये कक्षा दसवीं का विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र है एक, जो कि प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। और इस प्रश्न पत्र में सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो त्रैमासिक में जो जो आपके पाठ यहाँ आ रहे थे उनसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक एक, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। वीडियो को एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे हम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, स्त्रीलिंग शब्द रूपम ना अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा रामः। फिर दूसरा है यहाँ पे रामय इतस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति, तो इसका हो जाएगा तृतीय बहुवचन, तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। फिर है शब्द फल सब फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा फलानि। फिर है चौथा बालका शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकस्य। फिर है पांचवा अधुलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, तो इसका हो जाएगा मंडलम। फिर उसके बाद छठवा है यहाँ पे अधुलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा एव। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहले का यहाँ पे है आपका भूतकाले हाली स्थान लकारा भवति, तो हो जाएगा लंग। लंग लकारस्य उदाहरणम हाली स्थान अस्ति, तो हो जाएगा अपठत। फिर है लट लकारस्य उदाहरणम खाली स्थान अस्ति, तो पठति। फिर गम धातु रूपम खाली स्थान भवति, तो होगा गच्छति। निर्वासिता पदे उपसर्ग अस्ति, तो हो जाएगा निर। फिर है प्रा उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति, तो हो जाएगा प्रहारः। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपको प्रश्न क्रमांक तीन में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। पहला है सूर्योदय शब्दस्य विच्छेदम सूर्यधन उद्या ना अस्ति, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्यधन उद्या ही इसका संधि विच्छेद है। दूसरा है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये सही है, दीर्घ सर है क्योंकि। फिर तीसरा इतिधन उक्त्वा संधि युक्त पदे इत्युक्ता भवति, ये भी सही है। चौथा है पंचगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, ये भी सही है। उपगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, ये गलत है। फिर छठवा यथाशक्ति अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये सही है। तो यहाँ पे आपके आम ना कंप्लीट है। मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो में मैं पूरा पेपर आपको 10 मिनट के अंदर करवा दूँ, 10 से 12 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। फिर उचितम मेलनम कुरु, तो बालक धन टाप का क्या हो जाएगा बालिका, क्रीड धन तुम उनका क्रीड तुम, फिर गम धन कित्वा का गत्वा, फिर वृषभ पुत्र पपात का हो जाएगा यहाँ पे भूमौ, फिर भूमौ नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा गहन कानने। फिर है कुश लवौ कम उपचत्य प्रणमतः, तो ये हो जाएगा रामम। फिर है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, तो ये हो जाएगा भूमौ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक पाँच, एक पदेन उत्तरम लिखत। अति दीर्घ प्रवासे पदे विशेष पदम अस्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रवासः। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रवासः। फिर उसके बाद जननी तुल्य वत्सला पदे विशेषण पद अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा तुल्य वत्सल। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है वनम शब्दस्य पर्याय शब्दम तो काननम, ठीक है, क्या हो जाएगा काननम, काननम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पत्नी शब्दस्य पर्याय शब्दम तो क्या हो जाएगा भार्या। ठीक है, उसके बाद फिर मूर्ख इत्यस्य पदे पिलो बुद्धिमानः, फिर संपत्तौ शब्द विलोम शब्द विपत्तौ विपत्तौ उसी के रूप में लिख देना जैसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखें प्रश्न क्रमांक छः, यहाँ पे केन समाह बंधु नास्ति। पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर की मैंने लगातार बनाई, तो मैं यहीं से क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। केन समा बंधु नास्ति, तो इसका हो जाएगा उद्यम समम बंधु नास्ति। फिर है वसंतस्य गुणम
कहा जानती, तो इसका हो जाएगा बसंतस्य गुणम पे कहा जानती। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इक्षति, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इक्षति। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इक्षति, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि ग्रामन्ते एकांतरे एकांतरे संचरणम कर्तुम इक्षति। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो हैं। पहला है बुद्धिमति केन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता, तो इसका होगा बुद्धिमति पुत्र द्वे पेता पितु ग्रहम प्रति चलिता। फिर है यहाँ पे व्याघ्रम किम विचार पलायता, तो इसका आंसर हो जाएगा इयम काचित व्याघ्र मारी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे यहाँ पे, तो कृषकः किम करोति इसमें, कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति इसमें, तो आंसर हो जाएगा भूमौ पतते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता अश्रुणी मुंचति इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11, रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माणम करोत, यहाँ पे पहले में आ जाएगा काया, दूसरे में आ जाएगा कहा, तीसरे में हो जाएगा कस्मात, ठीक है। उसके बाद फिर प्रश्न निर्माण करना था जिनमें अंडरलाइन है, ठीक है, रेखांकित पद में। प्रश्न क्रमांक 12 जो है ये आपको कैसे करना, जैसे चपेट आया तो उससे काया उसी के जैसा, ठीक है। यहाँ पे आखिरी में विसर्ग लगा हुआ है तो कहा हो जाएगा त्वम, तो यहाँ पे मानुषात तो कस्मात, ठीक है। उसके बाद फिर अधोलिखितम वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा है ये वाला वाक्य। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है वो आपको कोई दो करना है और ये आपको पाठ से देख लेना है कि किस पाठ से आया है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र समागतम श्लोक विहाय स्वपाष्ट पुस्तकाय सुभाषितम, यहाँ पे दो सुभाषित आपने जो भी याद किए वो आप यहाँ लिख लेंगे। फिर 14 में है अधोलिखितेषु शुद्ध शुद्ध वाक्येषु शुद्धिम करोत, तो यहाँ पे हो जाएगा रामम नमः का हो जाएगा रामाय नमः। फिर उसके बाद यहाँ पे वो नहीं आएगी, मात्रा नहीं आएगी। फिर बालका विद्यालयात गृहम गच्छति गच्छन्ति, तो ये हो जाएगा बालका विद्यालयात गृहम गच्छति, ठीक है। फिर अहम पुस्तकम पठति, तो यहाँ होगा अहम पुस्तकम पठन्ति। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पे आपको पाठ गत शब्द ही रिक्त स्थान पूर्ति करोति, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो पहले में क्या आ जाएगा गुणी गुणम जानाति, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में क्या होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, दूसरा वाले का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एव, तीसरे का आंसर हो जाएगा शत्रु, चौथे का आंसर हो जाएगा भ्रशम, पांचवे का होगा महावृक्ष और छठवे का हो जाएगा सदा, और ये रहे इसके खाली स्थान, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर होगा प्रदत्त वाक्य घटनाक्रमानुसार लिखत, तो इसको आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, तो पहला यहाँ पे चौथा आएगा पहले में, तीसरा आएगा दूसरे में, दूसरा आएगा तीसरे में, और चौथा ये जो हो जाएगा पहले का, तो ऐसे क्रम क्या बनेगा, पहले चौथा फिर तीसरा फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे दूसरा और फिर पहला, मतलब पूरा आपको उल्टा यहाँ कर देना। फिर 17 में क्या है, आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपको खुद से ही ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में है अथोलिखित गद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि, यहाँ पे संस्कृत भाषा में आपको लिखना है कृषका काभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वांसी, तो इसका हो जाएगा बलिवर्धाभ्याम, ठीक है, काभ्याम की जगह जाएगा, बाकी प्रश्न वैसे का वैसे रहेगा। फिर सह दृष्वा कथम क्षेत्र पपात, तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा, ये हल मूढ़वा क्षेत्र पपात, ये पूरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा गंतुमिति पदे का प्रत्यय, तो इसका तुमुन प्रत्यय इसमें हो जाएगा। फिर इसका अथवा है यहाँ पे, तो अथवा में पहले का उत्तर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरे में ये पूछा है कि पश्यति में कौन सी धातु है, तो हो जाएगा यहाँ पे पश्य, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 19वां जो प्रश्न है अधोलिखित पद्यांश आधारित सब प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में आपको लिखना है प्रश्नों के, तो पहले में क्या है
यहाँ पे पशुनापी कीदृशे ग्रहन्ते, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहले का उत्तर। फिर उसके बाद बुद्धिया कीदृशा भवंती, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये देखिए ये दिया हो गया है दूसरे का उत्तर। फिर पशुनापी पदे संधि, तो पशुधन अपी हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अथवा है इसका, तो इसमें पहले का उत्तर आपका ये हो जाएगा, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और तीसरा है मानवाय पदे कहा विभक्ति वचनम अस्ति, तो ये आपको खुद से करना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 हम देखेंगे, अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा, तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला अनेक्षाम के नाट्य, तो पे पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है लालनीयः वयोनुरोधात कहा भवति, तो दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा हेमकरः बाल भवात पुत्र विराजते, तो तीसरे का ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला है अथवा, तो किम कुपिता एवं भरती उत प्रकृति, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा पहले का। फिर इसके बाद दूसरे का किम कुपिता एवं भरती उत प्रकृति अस्मतात वाक्यात हर्षिता इति पदस्य विपरीत पदम अस्ति, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर थर्ड वाला प्रक्षामी पदे पुरुषम वचन चास्ति, तो ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं और ये आपको आपकी बुक से देख के कर लेना है। पीछे बुक के पीछे आपको ये दिया होगा, तो ये आप खुद से ढूंढ के इनको करेंगे, ताकि और भी जो आपके जो वचन है, जैसे एक प्रक्षामी का यहाँ दिया है, पर आपसे कुछ और भी प्रक्षति का पूछा जा सकता है, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, सह वेद शास्त्रज्ञ कह आसी, तो ये इसका हो जाएगा पहले का ये वृद्ध ब्राह्मण। फिर दूसरे का क्या है कुंडल पुत्र से किम नाम अस्ति, तो दूसरे का हो जाएगा ये। फिर उसके बाद तीसरे का महान पितृवक्ता कह आसी, तो तीसरे का यहाँ पे अपन देख लेते हैं महान पितृवक्ता ये सुकर्मा वाला तीसरे का हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा कुंडल पुत्रस्य नाम ये हो जाएगा कुंडलः, ठीक है, कुंडलः कश्चन ये हो जाएगा दूसरे का। फिर चौथे का सुकर्मा किम वचनम अव्यय पदेन पालयति इसमें, तो ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ तक इसमें तक, कहाँ तक हो जाएगा इसमें तक हो जाएगा ये काय का चौथे का, ठीक है। उसके बाद फिर सौ प्राचार्य कृत्य अवकाश प्रथम प्रार्थना पत्र लिखा, तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना जो कि आपने तैयार कर लिया होगा संस्कृत का। फिर उसके बाद अथवा में क्या है पितरम प्रति परीक्षाया परिणाम सूचकम पत्र लिखा दिए, तो आपको यहाँ पे परीक्षा परिणाम की सूचना देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है, तो अथवा में से जो भी आपको करना, तो आप ये वाला आप पहले भी याद कर चुके होंगे, तो आप ये वाला लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, अधोलिखित एक विषय स्वीकृत्य वेशत्याधिक शब्देशु यहाँ पे संस्कृत भाषा में निबंध लिखा, तो 120 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा के महत्व का निबंध लिखना है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पेपर ख़त्म हुआ। तो ये था आपका मॉडल पेपर सेट, और जिसके मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करवा दिया है, तो आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनका एक बार में जल्दी से आपका रिवीजन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।